फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, नौवां प्रश्न 12.2 एक्सरसाइज का, देखिए क्या है। एक वृत्ताकार ब्रूच, ये वृत्ताकार ब्रूच है जिसे चांदी के तार से बनाया जाना है। इसका व्यास 35 मिलीमीटर है, व्यास यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 मिलीमीटर है ये व्यास। और हमें जो है इसमें प्रयुक्त तार की लंबाई ज्ञात करनी है, और इसमें 5 तार लगी हुई हैं, यानी कुल 5 तारें हैं, और बाहर से चांदी की तार लगी हुई है 35 मिलीमीटर जिसका व्यास है। तो आप देखिए व्यास कितना दे रखा है, व्यास बराबर है 35 मिलीमीटर, ये दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या जो है R बराबर है 35/2 मिलीमीटर, ये हो जाएगा। अब इसका तार की बाहर से, इसका जो बाहर से परिधि आएगी वही बाहर वाली तार की लंबाई हो जाएगी। तो इसके बाहर की परिधि जो है क्या बनेगी, इसकी परिधि बराबर है 2πr 2 22/7 आर 35/2, 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110 मिलीमीटर। और इसको जो है 5 व्यास, कुल व्यास कितने हैं, कुल व्यास बना रखे हैं 5, तो इसलिए तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 × 3 5 तार की जो है 5 व्यास है, तो 5 व्यास है आपको, तो व्यास एक व्यास की लंबाई 35 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 × 35 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 2 = 17। तार की कुल लंबाई, कुल लंबाई व्यास में और परिधि में, परिधि में 110 और व्यास में 175, कुल होगी 285 मिलीमीटर, ये कुल लंबाई तार की हो गई। ये नंबर एक तो ये हो गया। नंबर दो, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको पता है 5 व्यास हैं तो इसमें कुल कितने त्रिज्या खंड बने, 10 त्रिज्या खंड बने, तो इसलिए एक त्रिज्या खंड की, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड के यानी प्रत्येक यानी एक की निकालें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कुल 10 है तो 1/10 πr², क्योंकि ये पूरा एक वृत्त की तरह से है, तो πr² वृत्त का हो गया और उसका 10वां हिस्सा 1 का निकलेगा, यानी प्रत्येक का इतना ही है, तो 1/10 × π 22/7 r³, यानी 35/2 × 35/2, 7 × 5 = 35 और 5 × 10 2 × 11 ये आ गया, 11 × 5 = 55, 5 × 11 = 33 और 5 = 38/4, यानी 4 × 9 = 36 और 2 आ गया 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 1.25 वर्ग मिलीमीटर, ये इस ब्रूच के त्रिज्या खंड की एक ब्रूच का क्षेत्रफल आ गया। ये आ गया हमारा तार की लंबाई और ये ब्रूच के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसके बाद एक छतरी में 8 ताने हैं, 8 ताने का मतलब ये 8 भाग हैं, ये वाले 1, 2, 3, 4 सामने दिख रहे हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि इसको फैला दिया तो इस तरह से 8 भाग हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं।
आठ ताने, मतलब ये तान, तान क्या होते हैं, जैसे ये है, ये तान है, ये तान है, तो ये बराबर बराबर दूरी पर लगी हुई हैं, आठ ताने हैं। तो आप देखें ना, एक दो, इस तरह से अगर हम इसको देखें तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ आठ दूर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। और छतरी को 45 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक स्पाट वृत्त मानते हुए, क्या है त्रिज्या, कितनी त्रिज्या, बराबर 45 सेंटीमीटर ये हमने, और दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दो क्रमागत तानों के बीच में किस तरह का क्षेत्रफल है आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का त्रिज्या खंड है। तो इसका मतलब दो क्रमागत तानों के बीच क्षेत्रफल, कुल आठ बन रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो दो तानों के बीच में एक बटा आठ उसका है, क्योंकि आठ त्रिज्याखंड, ये आठ त्रिज्याखंड की तरह से है। या तो आप एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, या फिर आप सीधा सा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका आठवां हिस्सा कर दो, दो तानों के बीच एक आ गया। और सबसे आसान ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल का आठवां हिस्सा, एक बटा आठ, 22/7 और 45 गुना में 45, 2 से 4 और 2 से 11, ये आ गया 11 × 45 × 45/4 × 7 और ये बनेगा 22,275, इनकी गुणा 22,275/28 ये वर्ग सेंटीमीटर, ये इनके बीच का क्षेत्रफल। इसी तरह से सवाल नंबर 11 देखिए, किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ऐसे वाइपर हैं, एक वाइपर ये रहा 25 सेंटीमीटर लंबा है ये, और ये इस तरह से जाता है यहाँ तक, दूसरा वाइपर ठीक इसी तरह से, ऐसे क्षेत्रफल मतलब ऐसे अपना क्षेत्रफल वो पूरा करता है, यूं जाता है, आप ये सुन लीजिए। तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ऐसे साफ करते हैं। और प्रत्येक के द्वारा कितने मतलब क्षेत्रफल साफ हो जाता है, ये बात ये हमने ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक तरह का त्रिज्याखंड है, और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप उसका डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो आप पहले देखिए इसमें क्या है, पत्ती की लंबाई, वाइपर की लंबाई कितनी है, वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब R बराबर है 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 115 डिग्री, जो यहाँ पे ये कोण बनता है ये 115 का है। इसी तरह से आप इसको भी अगर वो करें तो मान लीजिए 115 का ही है ये चीज़ है। और ये कितनी सफाई करता है, तो ये एक तरह का त्रिज्याखंड होगा। तो आप देखिए, कुल साफ क्षेत्रफल बराबर है 2 × त्रिज्याखंडों का क्षेत्र, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो इसलिए एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसका डबल कर दिया, 2 × π आर स्क्वायर थीटा 360 और 2 × π, पाई यहाँ पर 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना 25 × 25 × थीटा 115/360 ये हो गया। अब इनको हम आपस में काट लेते हैं और ये देखिए क्या बनता है, ये 5 से कटेगा
पहले इसको दो से काट लो, 180 हो जाएगा, फिर ये पाँच से कट जाएगा, पाँच तीय 15, पाँच छिके 30, और ये पाँच से कट गया 23 हो गया, ठीक। ये दो से कट जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये दो से कट के 11 हो जाएगा, और कोई नहीं कटता है। यह आ गया 11 गुना 25 गुना 25 और गुना 23, और हमें पता है 11 गुना, आप ये कह सकते हैं 625, 25 गुना 25 गुना में 23 बटे 7 गुना में 18। और अब हम इनकी गुणा करते हैं तो ये आता है 158,108, 3, 5, 15 और ये 158,125, 158,125 बटे 18 × 7 = 126, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा कुल क्षेत्रफल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।